माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस हाउस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमेटी में वो बना दिया है, वो कमेटी एक एक चीज को देख करके अपना रिकमेंडेशन देगी और निश्चित रूप से जब कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो सरकार देखेगी उसको कि जो कुछ भी नहीं, सुन लीजिए, अरे बता रहे हैं आपको। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के तल्ख तेवर देखने को मिले। एक तरफ तो स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए सरकार को चेतावनी दे दी, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी कई तरह के विवादित बयान दिए गए और स्पीकर विजय सिन्हा को उन्होंने उनकी औकात दिखा दी। ऐसे में आपको बताएं कि अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी ये सीधे सीधे बता दिया है कि अगर ये पूरा मामला ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सरकार नहीं चलने वाली है और दाल नहीं गलने वाली। यानी कि आज बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को इशारों ही इशारों में यह समझा दिया है कि पहले बैठकर बात करने की जरूरत है और अगर सरकार में ऐसे ही काम होता रहा तो आगे ये सरकार यानी कि ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और किस तरह से बीजेपी को लेकर सरकार ना चलने की बात सीएम नीतीश कुमार ने कही है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। के हिसाब से ही चलना चाहिए और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है, ये चौथी बार हमको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अगर इसके बारे में कोई भ्रम है तो फिर बातचीत करेंगे हम लोग, और कहीं भी कोई भी डिले है किसी इन्वेस्टिगेशन में, हम सारे मामलों में आज ही हम मीटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज में कितने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा और इन्वेस्टिगेशन ससमय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सब चीजों को जरूर पूछेंगे। अभी मंत्री जी ने बता दिया कि इसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल, ये हाउस का काम। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन मैं जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा जिसके कारण तीन बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठ करके हंगामा किए, हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमिटी में चल रहा उस पर चर्चा नहीं होगी। मामला हुआ कि जो आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता का आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, दर्शक दीघा में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला, इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जब्ती कितने लोगों की हुई, वही घटना में जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है और दुर्भाग्य से देखिए आप एक बार सुन लिया जाए, दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है, आपका गुस्सा जायज है और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दुमत नहीं है, हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं और सदन चल रही है सबके सहयोग से, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं, तो सदन तीन बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया, जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया, पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और मुझे, हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठे हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। और आपकी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप गंभीरता से अपने स्तर से देखवा लें, ये तो दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा है और आप खुद कई बार कहे हैं कि विधायक का पूरे बिहार का कहीं के भी प्रश्न को, कहीं की भी व्यवस्था को देख सकता है। उन्होंने पूछा कि कुर्की जब्ती अभी तक नहीं हुई, आपने अभी बोला कि 60 दिन के अंदर नहीं करेगा तो कार्रवाई करेंगे, 60 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्षेत्र जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया,
जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। लेकिन सरकार के संरक्षण में, सरकार के नीति के हित में ही हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, हम समझते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस हाउस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमेटी में वो बना दिया है, वो कमेटी एक एक चीज को देख करके अपना रिकमेंडेशन देगी और निश्चित रूप से जब कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो सरकार देखेगी उसको कि जो कुछ भी नहीं, सुन लीजिए, अरे बता रहे हैं आपको। अब इस मामला को हम लोग यहाँ स्थगित करते हैं, आप अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, मुख्यमंत्री जी हैं, आप अवगत कराएंगे। अगर आप बीच बीच में बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं नहीं बोलिए, हम आपको एक बात कह रहे हैं, अगर कोई इशू हुआ है आज जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमेटी बन गई, आपने उसको कमेटी नहीं मतलब उसको आपने दे दिया उसमें विशेषाधिकार समिति को, अब विशेषाधिकार समिति एक एक चीज को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी और जब अपनी राय व्यक्त करेगी तो हम आपको इतना करते हैं कि हम गवर्नमेंट में उस राय को फिर से विचार जरूर करेंगे और दिखवाएंगे कि एक तरफ से उन लोगों ने ये कहा और आप लोगों ने ये कहा है, फैक्ट क्या है उसको हम जरूर दिखवाएंगे। एक बात हम जरूर कहेंगे, लेकिन हाउस का काम है, वो कहेगा, रिकमेंड करेगा, उसके बाद उसको फिर से दिखवाएंगे हम और दिखवा करके जो कुछ भी असली चीज होगा उस चीज को सामने लाया जाएगा। इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई तो बात होगी, उसको रोज रोज चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार हाउसी में उसको कर रहे हैं तो उसको देख लिया जाएगा, निश्चित रूप से देख लिया जाएगा, उसके लिए कोई चिंता मत करिए। हम लोग ऐसा नहीं, और हम तो चाहते ही, हम सब दिन बोलते हैं कि हाउस में जिन लोगों को जो उचित लगे वो प्रश्न उठाइए, इस बात को रखिए, जवाब दिया जाता है तो सब चीज तो किया ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस चीज को अकारण इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आपने उसको दे दिया तो उसके बाद फिर अब इसको रोज रोज उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम जरूर आग्रह करेंगे आपसे। चलिए, श्री सालनी, श्रीमती सालनी मिश्रा, माननीय सदस्य।